उल्लासनगर खरीदी करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे खरीदें और माल कैसे हम मार्केट से खरीदें, कैसा परचेज करें कि अच्छा माल मिल सके, बढ़िया माल मिल सके, और कैसे आना है, क्या क्या लेना है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। और सबसे पहले जो कस्टमर आ रहे हैं, आजकल जो YouTube का ज़माना है, YouTube पे देख के तो आ रहे हैं, लेकिन बाद में ख़रीदने के बाद पता चलता है कि माल अच्छा आया नहीं, या माल दूसरा कुछ ख़रीदा था, दूसरा आ गया है। तो आज वीडियो में यही टॉपिक है कि उल्लासनगर आएँ कैसे, और किन दुकानों पर जाएँ, कैसे परचेज करें कि अच्छा माल मिले, अच्छा रेट मिले, अच्छी क्वालिटी का जींस मिले। और अगर जींस ख़रीदने आ रहे हैं तो उल्लासनगर सबसे अच्छा शहर है जींस के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा, और जींस की जो दुकानें हैं, हज़ारों दुकानें यहाँ पे होलसेलर की है। लेकिन सावधानी यही है कि हम जींस खरीदें कैसे, जो अच्छे से हमको मिल सके, कहाँ आके रुकें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये देखना है आज इस वीडियो में। तो उल्लासनगर आने के लिए जब आप ट्रेन से लास्ट स्टेशन पे आएंगे, तो उल्लास पे ही आपको ऑटो मिल जाएगा, शेयरिंग ऑटो। आपको आना है दूध नाका। दूध नाका एक ऐसी एरिया है जहाँ से गारमेंट के जो शोरूम है वो चालू होते हैं। पूरा गारमेंट आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरी गारमेंट की जो दुकानें हैं दूध नाके से ही स्टार्ट हो जाती हैं। आपको आईडी क्या लाना है, छोटे दुकानदार हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आधार कार्ड ले सकते हैं। आधार कार्ड आईडी एक ऐसा आईडी है, जब आप कहीं रुकेंगे तो वहाँ भी आधार कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा, तो आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जब आप अपना पार्सल कराएंगे, ट्रांसपोर्ट में डालेंगे, तो आपके आधार नंबर से भी आपका माल परचेज हो जाएगा, आपके पास पहुँच जाएगा। तो आधार कार्ड नंबर वन। आप जब शेयरिंग ऑटो में जाते हैं, आप ऑटो पे बैठेंगे, ऑटो वाला आपसे पूछेगा भाई कहाँ जाना है, दूध नाका उसको बताना है। एक बात और है, आपको एजेंट दलालों से दूर रहना है। अब एजेंटों का काम चालू हो जाता है, आप ऑटो पे बैठते ही ऑटो वाले के चार चार लोगों का ही दुकान चालू हो जाता है। अगर आपको समझ गया है कि आप जींस लेने आए हैं, तो ऑटो वाला खुद ही बोलता है कि भाई मेरे चाचा की दुकान है, मेरे दादा की दुकान है, चाचे की लड़की की दुकान है। ये ऑटो वाले ही से स्टार्ट हो जाता है एजेंट का काम, जो आपको ऐसी दुकानों पे लेके जाएंगे जो मार्केट से काफ़ी दूर है, हटके हैं। तो लोग क्या करते हैं, तो आप कम भाड़े में दुकान ले लेते हैं और बोलते हैं भाई हमारा इतना सस्ता माल है। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इंटरनेट देख के आए हैं, यूट्यूब देख के आए हैं, गूगल पे सर्च मार के आए हैं, तो सबसे पहले आप उनसे संपर्क कीजिए जिनका वीडियो आप देख के आए हैं। सेकेंड नंबर, आप अगर एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं, एजेंट आपको पकड़ लिया है और अपनी बातों में उलझा भी लिया और बोल भी दिया कि 2 से 4% मेरा कमाई है और आपको दुकान पर लेके गया है, ये मान के चलिए 2-4% नहीं, कम से कम 10-12% उनका मार्जिन रहता है एजेंटों का। तो समझ सकते हैं दुकानदार तो आपको 10-12% जो एजेंट को देगा वो आपके माल में ही जोड़ के देगा। तो ये सावधानी आपको देखना है। रुकने के लिए आप दूध नाका उतरते हैं, दूध नाका से आप स्वामी शांति प्रकाश आश्रम पे जाइए, टेऊ राम धर्मशाला है, वहाँ रुकने का बेस्टम बेस्ट जगह, सस्ती जगह और अच्छी जगह। आधार कार्ड दीजिए, आप रुक सकते हैं, नहा धो के फ्रेश होके खाना पीना खा के रात गुजार सकते हैं, सुबह आप परचेज के लिए निकल सकते हैं। पूरा मार्केट वहीं से शुरुआत होता है, आप पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस कोने भी जाएंगे आपको जींस की होलसेल की दुकानें ही दुकानें मिलेंगी। आप दुकान पे जाइए, देखिए माहौल, देखिए परचेज कीजिए, रेट देखिए, कपड़े देखिए, दलालों से दूर रहिए। आपको कोई भी बोलता है मेरे भाई की दुकान है, चलिए मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, चाचा की दुकान है,
आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो वैसा ही माल मिलेगा, खरीदेंगे कुछ और, मिलेगा कुछ और, वहाँ पर नुकसान क्या होगा? आप या तो उल्लासनगर छोड़ देंगे या तो भूल जाएंगे कि भाई वहाँ से माल खरीदना ही नहीं। तो ये जो कमियाँ हैं एक्चुअली देखा जाए थोड़ा आपकी है और थोड़ा यहाँ की भी है। नुकसान तो उल्लासनगर का भी होता है क्योंकि आपके मन में एक बार बैठ गया कि माल अच्छा नहीं है तो परचेज के लिए आप आते नहीं। तो बात यही है कि अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, यूट्यूब देख के आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर उसका है, सामने वाले के पास आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जहाँ भी रहेगा वो आपको लेगा। आप उसकी दुकान पे जाइए, भले माल मत खरीदिए लेकिन देखिए, राय मशवरा लीजिए, फिर आप परचेज के लिए निकलिए। दुकानें बहुत सी हैं, देख समझ के लेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि कभी नुकसान में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो दुकानदार ऐसे ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी राय मशवरा के साथ देंगे, बहुत अच्छा माल देंगे, लेकिन किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, किसी भी मार्केट में देखेंगे तो दो चार नहीं 8-10 दुकानदार तो ऐसे ही हैं कि जो दिखाएंगे और देंगे कुछ और। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उल्लासनगर ख़राब है, पूरी मार्केट ख़राब है, वो हर मार्केट, वो चाहे दिल्ली का हो, गुजरात का हो, कोलकाता का हो, हर मार्केट में अच्छे व्यापारी 100 हैं तो 10 व्यापारी ऐसे भी हैं जो उल्टा सीधा माल देते हैं। कहने का मतलब यही है कि भाइयों, अगर आप उल्लासनगर आ रहे हैं तो आपको आधार कार्ड, उसके बाद जिसका वीडियो भी आप देख के आ रहे हैं उससे आप संपर्क कीजिए, उसके दुकान पे जाइए, उसके बाद भी परचेज के निकलिए। वो खुद ही सजेस्ट करेगा कि भाई आपको कौन सा माल चाहिए, अगर उसके पास नहीं है तो दूसरी दुकान पे वो बताएगा कि भाई वहाँ से जाके ख़रीद लीजिए। आप उससे खुल के बात करेंगे कभी नहीं फंसेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों उल्लासनगर आ रहे हैं, वीडियो मेरी देख के आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। और दीवान गारमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कम से कम किसी के काम में आएगी। मिलूँगा एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।